हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डाटा एंट्री से रिलेटेड एक क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे, जिसकी मदद से हम एक्सेल के डाटा को किसी भी ऑनलाइन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस या ऑनलाइन डाटा एंट्री का वर्क करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को किसी भी पार्ट पर स्किप ना करें और पूरा देखें। एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में क्रोम वेब स्टोर की साइट को ओपन करना है। साइट ओपन हो जाने के बाद आपको सर्च बॉक्स में फिल एक्सेल डाटा को लिखकर एंटर को प्रेस करके सर्च करना है। सर्च हो जाने के बाद आपको हमारी एक्सटेंशन आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड टू क्रोम के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये एक्सटेंशन डाउनलोड होने के बाद आपके क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगी। एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको डाटा एंट्री वाला फॉर्म ओपन करना है, जिसमें हमें एक्सेल के डाटा को भरना है। इसके लिए हमने कुछ फॉर्म को डिज़ाइन किया है, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे कि डाटा इसमें किस तरह से भरा जाएगा। इसके बाद हम एक्सटेंशन का ऑप्शन पेज ओपन करते हैं। इसी पेज पर हम अपने फॉर्म की सेटिंग को सेट करते हैं। सबसे पहले फॉर्म साइट के यूआरएल को सेट करना होता है कि हम इस ही पेज पर अपने डाटा को फीड करवाना चाहते हैं। इसके लिए हमें इस प्लस बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक मॉडल ओपन होगा जिसमें हमें साइट का यूआरएल देना होगा। तो हम अपने फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, जो कि सिंगल पेज फॉर्म है, यानी कि डाटा इसी पेज पर फीड करने के बाद सक्सेस रिस्पॉन्स भी हमें इसी पेज पर मिलता है। हम इस पेज के यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और मॉडल में साइट यूआरएल वाली फील्ड में पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यूआरएल के टाइप को सेट करना होता है कि आपका यूआरएल डायनेमिक है या स्टेटिक्स। अगर यूआरएल एंट्री के बाद चेंज होता रहता है तो इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, लेकिन अगर यूआरएल कभी चेंज नहीं होता है तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद की डिटेल एंट्री सेव होने के बाद की होती है कि हमें किस पेज पर एंट्री सेव होने का मैसेज प्राप्त होता है, जिसे हम बाद में फिल करेंगे। फिलहाल हम इसे सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमें फॉर्म में डाटा को भरने के लिए एक्सेल शीट को बनाना होगा। तो हम फॉर्म को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें किस किस डाटा को भरना है। इस फॉर्म में हमने सभी तरह के फॉर्म एलिमेंट को लिया है। तो हम एक एमपीटी एक्सेल टेम्पलेट बना लेते हैं, जिसमें डाटा एक टेबल के रूप में रहेगा। टेबल की फर्स्ट रो हमारे फॉर्म के फील्ड्स को आइडेंटिफाई करेगी। जैसे कि फुल नेम वाले फील्ड में डाटा को भरने के लिए हमें पहले एक्सेल में टेबल के फर्स्ट रो में इसके लिए की सेट करनी होगी, और इसके नीचे हम अपने डाटा को दे सकते हैं, जो कि हम बाद में देंगे। पहले हम सभी फील्ड के लिए एक एक की को सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि टेबल का हेडर फॉर्म की फील्ड के अनुसार हो चुका है। अब हम इसमें डाटा को भरते हैं। इनपुट फील्ड के लिए तो डाटा किसी भी तरह का दे सकते हैं, जो कि आसानी से फीड हो जाता है, लेकिन स्लैक बॉक्स और चैट बॉक्स के लिए डाटा को उस फील्ड की वैल्यू के अनुसार ही देना पड़ता है। तो हम इन चैट बॉक्स की वैल्यू को कैसे देखेंगे, इसके लिए हमने अपने फॉर्म को ओपन करना है और एक्सटेंशन के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें एक न्यू पेज ओपन होगा। इस पेज पर नीचे की तरफ दो ऑप्शन होते हैं, जिनमें पहले ऑप्शन से आप पेज के सभी स्लैक बॉक्स की वैल्यू को देख सकते हैं, जो कि स्लैक बॉक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करने में मदद करती है, जिसमें हम आगे देखेंगे। पहले हम चेकबॉक्स को किस तरह से चेक करते हैं देखेंगे। इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वापस से हम अपने फॉर्म पर आ जाते हैं और देखते हैं सभी चेकबॉक्स के आगे रेड कलर में उस चेकबॉक्स की वैल्यू भी हमें अब शो होने लगती है, जिसे हम चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि ये तीन चेकबॉक्स हैं जिन्हें चेक करने के लिए इनके डाटा में आप इन चेकबॉक्स की वैल्यू को दे सकते हैं या फिर वैल्यू के रूप में कुछ भी करेक्टर दे सकते हैं। और मैरिड स्टेटस में तो हमें केवल एक ही ऑप्शन को चेक करना होता है। इसके लिए हमने केवल एक ही टेबल रो ली है, जिसमें हम वैल्यू के अनुसार डाटा को दे सकते हैं। सिंगल को चेक करने के लिए सिंगल और मैरिड को चेक करने के लिए मैरिड, इस तरह से।
और एग्री के चेकबॉक्स को चेक करने के लिए हमें इस फील्ड की वैल्यू के अनुसार 1 ही देना होगा। इसी तरह से चेकबॉक्स को चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फॉर्म के सिलेक्ट बॉक्स के ऑप्शन को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें वापस से एक्सटेंशन के आइकन पर क्लिक करके पेज के फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा। क्लिक होने के बाद हमें साइट में सभी ऑप्शन एक लिस्ट के रूप में दिखाई देंगे, जिसमें कि रेड कलर में ऑप्शन की वैल्यू होती है और इसके बाद ऑप्शन का नेम होता है। और हमें एक एक्सेल फाइल भी डाउनलोड होती है, जिसमें कि पेज के सभी सिलेक्ट बॉक्स के ऑप्शन का नाम और ऑप्शन की वैल्यू होती है। ऑप्शन की वैल्यू के द्वारा ही हम सिलेक्ट बॉक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। वैसे ये पेज में हाइड रहती है, केवल हमें ऑप्शन का नाम ही दिखाई देता है। अब हम सिलेक्ट बॉक्स का डाटा ऑप्शन की वैल्यू के अनुसार भर लेते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्स में मल्टी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन की वैल्यू के बाद कोमा का यूज़ करके हम मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब हम बाकी का डाटा भी भर लेते हैं। डाटा भरने के बाद एक्सेल की फाइल को सेव कर देते हैं और इसे अपलोड करने के लिए वापस से एक्सटेंशन के ऑप्शन पेज पर जाते हैं और अपलोड डाटा के टैब को ओपन करते हैं और एक्सेल फाइल को अपलोड कर देते हैं। अगर आपकी एक्सेल फाइल का डाटा सही होगा तो नीचे की तरफ दिखाई देगा। और अगर आप एक्सेल फाइल में डेट का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस फील्ड के द्वारा डेट के फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं कि हमें फॉर्म में किस तरह का डेट फॉर्मेट चाहिए। इसके बाद हम वापस से पेज सेटिंग के टैब को ओपन कर लेते हैं और एक्सेल शीट से फील्ड के की को निकालने के लिए इस की के बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें नीचे की तरफ सभी की दिखाई देंगी जिन्हें हम एक्सेल शीट में बनाया था। अब हमारा काम होता है कि इन एक्सेल शीट की को फॉर्म के किस फील्ड से लिंक करना है ताकि उस की का डाटा फॉर्म के उस फील्ड में फीड हो जाए। इसके लिए वापस से हम फॉर्म पेज में जाते हैं और पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके बाद एक्सटेंशन के आइकन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें पेज में सभी एक्सेल की एक टेबल के रूप में शो होती हैं। इसी पेज पर हम एक्सेल की को फॉर्म की फील्ड से लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए हमें उस की के आगे माउस का आइकन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्म के किस फील्ड से आप इस की को लिंक करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। इस तरह एक्सेल की फॉर्म की फील्ड से लिंक हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि उस फील्ड का एड्रेस भी हमें शो हो रहा है। इसी तरह से हम बाकी की कीज को फॉर्म की फील्ड से लिंक कर देते हैं इस तरह से। की सेट करते समय हमें पता चला कि कुछ की हमें शो नहीं हो रही हैं, जैसे कि म्यूजिक और गेमिंग की। इसके लिए हम मैनुअल भी की को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम वापस से एक्सटेंशन के ऑप्शन पेज पर जाते हैं और पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और इस पेज पर प्लस के बटन पर क्लिक करके हम दोनों की को इंसर्ट कर लेते हैं जो कि हमें नीचे शो हो रही हैं। अब इन की को भी फॉर्म के चेकबॉक्स से लिंक कर देते हैं। इस तरह हमने सभी एक्सेल की को फॉर्म की फील्ड से लिंक कर दिया है। अब बारी है एक्सेल डाटा को फॉर्म में ऑटोमेटिक फीड करवाने की। इसके लिए ऑप्शन पेज में एक्सेल डाटा के टैब को ओपन करते हैं और इस बटन पर क्लिक करके एक्सेल के डाटा को फेच कर लेते हैं। इसके बाद हमें टेबल के रूप में सभी एंट्री दिखाई देती हैं और सभी एंट्री में यह चेकबॉक्स होता है जो एंट्री फॉर्म में फीड होने के बाद सेव हो जाती है, तो ये चेकबॉक्स ऑटोमेटिक चेक हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि एंट्री सेव हो गई है। और आप इन चेकबॉक्स को मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं, जिसके बाद ये एंट्री फॉर्म में फीड नहीं होती है। अब फॉर्म के पेज पर जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सेल की फर्स्ट एंट्री फॉर्म में ऑटोमेटिक फीड हो गई है। फॉर्म में सिंगल सिलेक्ट बॉक्स का ऑप्शन तो सिलेक्ट हो गया है, लेकिन मल्टी सिलेक्ट बॉक्स के ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हुए हैं। इसके लिए हम ऑप्शन पेज में जाकर मल्टी सिलेक्ट की के सेटिंग बटन पर क्लिक करते हैं और हमें एक मॉडल ओपन होता है, जिसमें सबसे पहले फील्ड में फील्ड का टाइप मांगता है कि आपकी फील्ड किस तरह की है, जिसमें हम मल्टी सिलेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मांगता है कि आप किस तरह से ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं,
तो इसमें हम वैल्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम ऑप्शन की वैल्यू के द्वारा ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद सेटिंग को सेव कर देते हैं और फॉर्म वाले पेज को रिफ्रेश करते हैं और इस तरह से हमारी फर्स्ट एंट्री फॉर्म में फीड हो जाती है। और अगर हम इस एंट्री के इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर देते हैं तो ये एंट्री फॉर्म में फीड नहीं होगी, इसके बाद की सेकंड एंट्री फॉर्म में फीड होगी। इस तरह हमारी सेकंड एंट्री का डाटा भी फॉर्म में पूरी तरह से फीड होने लगता है। अब हम इन एंट्री से चेकबॉक्स को हटा देते हैं और फर्स्ट एंट्री को मैन्युअली सेव करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो एंट्री सेव करने के बाद हमें इसी पेज पर सक्सेस का मैसेज प्राप्त होता है। अब हम इस पेज का यूआरएल और सक्सेस मैसेज को ऑप्शन पेज में जाकर फॉर्म साइट की इस एंट्री में अपडेट कर देते हैं। इस तरह से सबसे पहले हम सक्सेस पेज का यूआरएल देते हैं और उसके बाद सक्सेस मैसेज को भरकर इसे सेव कर देते हैं। ये डाटा इसलिए देते हैं ताकि एंट्री का पता चल सके कि ये एंट्री सेव हो गई है या नहीं। आप ऑप्शन पेज में जाकर देख सकते हैं कि इस एंट्री के सेव चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं होगा क्योंकि हमने पहले फॉर्म की सक्सेस इन्फॉर्मेशन को नहीं डाला था। लेकिन अब हम यदि एंट्री को सेव करते हैं और वापस से ऑप्शन पेज पर जाकर देखते हैं तो इस एंट्री के सेव चेकबॉक्स पर क्लिक होगा, यानी कि ये एंट्री सेव हो गई है। और अब अगर हम फॉर्म के पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सेकंड एंट्री फॉर्म में फीड होगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें मैन्युअली एंट्री के सेव चेकबॉक्स पर क्लिक करना नहीं होगा, यानी कि हमें बताना नहीं होगा कि ये एंट्री सेव हो गई है या नहीं। हमें सिर्फ फॉर्म के सेव बटन पर क्लिक करके एंट्री को सेव करना होगा। एंट्री को सेव करते समय हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि दूसरी एंट्री को फॉर्म में फीड करने के लिए हमें फॉर्म को बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने कुछ कस्टम कीज को बनाया है जिनमें से हम एंट्री सेव्ड की का प्रयोग करेंगे। ये की जब रन होती है जब एंट्री पूरी तरह से सेव हो जाती है। तो हम इस की को इस प्लस के बटन पर क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम फॉर्म का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और इस की सेटिंग बटन पर क्लिक करके एक्शन में रिडायरेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करके एक्शन वैल्यू की फील्ड में उस फॉर्म यूआरएल को भरकर सेव कर देते हैं। इसके बाद अगर आप फॉर्म में एंट्री को सेव करेंगे तो एंट्री सेव होने के बाद पेज वापस से वही आ जाता है जो हमने उस की सेटिंग में दिया था, यानी कि फॉर्म दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है और नेक्स्ट एंट्री फॉर्म में फीड हो जाती है। यानी कि अब हमें पेज को रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा, केवल सेव के बटन पर क्लिक करना होगा और एंट्री सेव हो जाएगी। अब अगर क्या हो कि हमें सेव के बटन पर क्लिक करना ही नहीं पड़े, इसे भी हम कस्टम की के द्वारा कर सकते हैं जिसका नाम है फॉर्म फील्ड। ये की जब रन होती है जब फॉर्म में एंट्री फीड हो जाती है। इस की को ऐड करने से पहले हम ये चेक कर लें कि हमारी एंट्री का डाटा सही तरीके से फॉर्म में फीड हो रहा है, यानी कि अगर आपकी एंट्री का कुछ डाटा फॉर्म में फीड नहीं हो रहा है और आप इस की को सेट कर देते हैं तो एंट्री ऑटोमेटिक सेव होने लगेगी। इसलिए इस की को तभी ऐड करें, पहले एक एंट्री को चेक कर लें कि ये एंट्री फॉर्म में पूरी तरह से फीड हो रही है। तो अब हम इस की को ऐड करने के लिए ऑप्शन पेज में जाते हैं और प्लस के बटन पर क्लिक करके की को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम इस की को फॉर्म में सबमिट बटन से लिंक करना होगा जिस तरह से हमने दूसरी की को किया था। जैसे ही हम इस की को सबमिट बटन से लिंक कर देते हैं वैसे ही सभी एंट्री सेव होना स्टार्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिक, और इस तरह हमारी सभी एंट्री ऑटोमेटिक सेव हो जाती हैं। आप ऑप्शन पेज पर जाकर भी देख सकते हैं कि सभी एंट्री के सेव चेकबॉक्स क्लिक होते हैं। चलिए एक बार दोबारा से हम एंट्री को सेव करते हैं। पहले हम फॉर्म फील्ड की को ऑफ कर देते हैं ताकि एंट्री ऑटोमेटिक सेव नहीं हो, और फिर सभी एंट्री के सेव चेकबॉक्स को रीसेट कर देते हैं। इसके बाद हम फॉर्म पेज पर जाते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री फॉर्म में फीड हो जाती है। जैसे ही हम इस एंट्री को सेव करते हैं एंट्री सेव होने के बाद दूसरी एंट्री उस फॉर्म में फीड हो जाती है। अब हम सभी एंट्री को ऑटोमेटिक फीड और सेव करवाएंगे। इसके लिए हम फॉर्म फील्ड की को ऑन कर देते हैं और फॉर्म को रिफ्रेश करते हैं और इस तरह हमारी सभी एंट्री ऑटोमेटिक सेव होने लगती हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है या फिर हमारी एक्सटेंशन आपके काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।